गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम व्याकरण का पढ़ेंगे संज्ञा, जो है चैप्टर 8। तो क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है कि संज्ञा क्या होता है। क्या होता है संज्ञा? संज्ञा वो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराता है, वो कहलाती है संज्ञा। तो संज्ञा के विषय में हम प्रारंभिक क्लासों से, बहुत पहले से, पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन संज्ञा सबसे ज़रूरी विषय है व्याकरण में, इसलिए इसको हम हर क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम हर तरह से समझेंगे। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो ये तीन भेद में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जब किसी विशेष वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताया जाता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सेकंड क्या होता है इसके बाद? दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। और इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 62 में। उसके बाद इसी का थर्ड भेद है, संज्ञा का थर्ड भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इसके क्या है, इसके क्या प्रकार है बताया गया है? गुण, दोष और अवस्था। तो इसके भी उदाहरण को बुक में दिया गया है। अंग्रेजी में प्रभाव स्वरूप कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। तो हम कुछ क्लासेस में ये भी पढ़ते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः पांच भेद होते हैं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? तीन भेद होते हैं। लेकिन कुछ और विद्वानों के मतानुसार क्या है कि संज्ञा के और दो भेद होते हैं संज्ञा के। तो फर्स्ट क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसको किसी में मुख्यतः गिना जाता है कि पांच भेद में से, और किसी में केवल तीन भेद को मुख्य माना जाता है और इन दो भेदों को गौण माना जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या वस्तुधातु का बोध कराते हैं, वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके उदाहरण जैसे गेहूं, सोना, चांदी, इस प्रकार के। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही पता चल रहा है, समूह मतलब ग्रुप, गुच्छा। तो क्या है इसमें? जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें ग्रुप का बोध होता है, समूह का ही बोध होता है। तो भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगा, ये आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उसके बाद सर्वनाम से किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, विशेषण से, क्रिया से, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है संज्ञा के विकार। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न होता है, चेंज होता है कुछ ना कुछ। अविकारी नहीं है, विकारी है, यानी विकार उत्पन्न होता है। तो इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अथवा परिवर्तन आते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। लिंग जैसे लड़का, लड़की, इस प्रकार से लिंग की वजह से परिवर्तन आया। वचन लड़का, लड़के। उसके बाद कारक, लड़का, लड़के ने और लड़कों को। तो इस प्रकार से कुछ विकार यानी कुछ परिवर्तन आता है संज्ञा के विकार में। लिंग, लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। तो इसी प्रकार से स्त्रीलिंग और पुरलिंग आपको पता ही है कि स्त्रीलिंग क्या होता है? जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुरलिंग क्या होता है? जो पुरुष जाति का बोध कराता है। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान के लिए भी क्या होता है? प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता और चूहा, चूहिया, इस प्रकार से जो प्राणीवाचक होते हैं, जो जीव होते हैं। और उसके बाद अप्राणीवाचक संज्ञाएँ, इसकी पहचान कैसे की? कमरा, पंखा, कागज, ये सारे जो हैं, ये सारे सदैव पुरलिंग होते हैं। और मेज, दीवार, रात और को स्त्रीलिंग माना गया है। उसके बाद है पद नाम सदैव पुरलिंग होता है। पद नाम यानी जो पोस्ट होता है, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, जो पोस्ट के नेम होते हैं ना, वो हमेशा ही होते हैं पुरलिंग। लिंग परिवर्तन, इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि स्त्रीलिंग से पुरलिंग में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है।
उसके बाद नित्य पुरलिंग शब्द, तो कुछ दिया हुआ है समूह में आपके सामने कि किस प्रकार से पेज नंबर 64 में कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा ही पुरलिंग होते हैं, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो सदैव पुरलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नित्य स्त्रीलिंग, उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, भले वो पुरलिंग क्यों ना हो। जिस प्रकार से दिया है गंगा यमुना, ये नदियों के नाम कभी भी पुरलिंग नहीं होते हैं, जैसे कि भाषाएं, भाषाओं के नाम भी पुरलिंग नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग ही होती है। वचन, वचन हमारे हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक वचन बहुवचन। एक वचन एक के लिए जब बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक के लिए बोध होता है तो बहुवचन। तो इसके भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा वचन, लिंग, संज्ञा, संज्ञा के विकार। तो इस पाठ के माध्यम से हम संज्ञा को विस्तार से जान सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से और भी पढ़ लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।